थैंक यू, वैसे स्वागत हो गया जी। फिर भी थैंक यू। आप क्या हैं यहाँ? जी मैं एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर के रूप में काम देख रही हूँ। अच्छा। और पूरे जितने भी दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम चलता है, विलेजेस का, सबका भी उसका पूरा कैसा काम करता है? काम करते हैं यहाँ पूरे अपने संस्थान में एज अ वॉलंटियर लगभग 500 लोग हैं, और एम्प्लॉयज़ वगैरह सब मिला के नियर अबाउट 1000 लोग हैं। और कुछ लोगों को हम लोग ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट चलता है दुनिया भर में, उससे थोड़ा हटके हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी देते हैं आप उस कैंपस से जहाँ से आ रहे हैं, वो पूरे ट्रेनिंग के लिए हम लोग ने प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए हैं। तो पूरे इंडिया में ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो अपना भी कर सकते हैं। वो ज़्यादातर 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जा रहे हैं हमारे यहाँ के, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ऐसा देते हैं कि रॉ मटेरियल बेस्ड क्या हो सकता है, नीड बेस्ड क्या हो सकता है, उसी पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो सब जैसे आरोग्य धाम में भी अभी हर्बल मेडिसिन के ऊपर है कि हरी ताजी औषधियों से कैसे स्वस्थ रहना, तो उनको नर्सरीज डेवलप करने से लेकर आइडेंटिफिकेशन और कलेक्शन से लेकर सब ट्रेन करते हैं। तो एज सच जैसे सब कुछ अपने पास अभी 580 टाइप्स का यहाँ पर पूरा है। 580 हर्ब्स आप एक पूरा देख सकते हैं, कोई बुक है पूरा मिल जाएगा जी। और उसके साथ हम लोग अभी कैसे मेडिसिन और इसकी मेडिसिन वगैरह भी कैसे बनाना, ये सब भी अपना फार्मेसी है। मतलब टोटल एक रूरल डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात यदि करते हैं तो यहाँ पर अपने को पूरा देखने को मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, सोशल कॉन्शियसनेस भी है। और यहाँ से देखने के बाद इतना सुंदर जैसा बन यहाँ पे करा, तो गांव के लोग इसको देखकर वो लोग गांव में रिप्लिकेट करें, उनके मंदिर मस्जिद जो भी चीज़ें हैं उनका साफ सुथरा हो रहा, उनके घर द्वार ठीक ठीक कर दें। क्योंकि 10 years 15 years बैक कोई भी उन विलेजेस में जाते हैं तो शायद हम लोग वहाँ पर बैठ भी नहीं सकते हैं। अब तो वहाँ पर बहुत अच्छा है, ऐसा पूरा एक अच्छा एजुकेट करना अच्छा। और इसमें भी मैम एक नॉवेल एक्सपेरिमेंट नाना जी ने किया यहाँ पर। या तो सिंगल पर्सन को पहले रखते थे 1990s में गांव में कि लुक आफ्टर करने के लिए और यहाँ की चीज़ों को डिसमिनेट करने के लिए। बाद में उनको लगा कि या तो भैया होएगा तो वो जेंट्स में काम करता है, लड़की होगी तो सिर्फ लेडीज़ में काम करती है। तो उनको थॉट आया कि इंडिया अपना फैमिली एक बेसिक यूनिट है, तो फैमिलीज़ को उन्होंने सेलेक्ट किया। उन फैमिलीज़ को हम लोग बोलते हैं समाज शिल्पी दंपति, सोशल आर्किटेक्ट कपल्स। सो दे आर स्टेइंग इन द विलेजेस। अब वो लोग सब ग्रेजुएट्स होते हैं और ग्रेजुएट्स को ही सेलेक्ट करते हैं ऑल इंडिया से। ऐसे हम लोग के पास 38 कपल्स हैं, फिर सेल्फ रिलायंस यहाँ से। आप सीधा राम दर्शन ठीक है।